टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। एक तेरे आगे सब सूना लागे ना तेरे जैसा कोई और प्यारे अपने ढंग में रंग दे प्यारे जिया रे प्यारे जिया रे। अजान बेटा कब बस आएगी, कब हम पहुंचेंगे? मैं थक गई हूँ। आपा वो सामने ही सड़क है। अच्छा चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। अजान बेटा। हाँ जी। अब आप ऐसा करो कि घर जाओ, आपकी अम्मी परेशान हो रही होगी, मैं थोड़ी देर में खुद ही बस पकड़ लूंगी। आपा मैं आपको ऐसा नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको गाड़ी में बिठा कर ही छोड़ूंगा। आपको पता है आप बहुत बहादुर हो और बहुत प्यारे बच्चे हो। वैसे आप भी, आप करती क्या हैं? मैं एक सेलिब्रिटी मैनेजर हूँ। सेलिब्रिटी मैनेजर, वो क्या होता है? आपने अजान अली खान का नाम सुना है? अच्छा वो जो गाने में आता है? हाँ हाँ वही, उसी की मैनेजर हूँ, उसी के लिए काम करती हूँ। अच्छा वो तो मेरे को भी बहुत पसंद है और मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद है, इसलिए तो उन्होंने मेरा नाम अजान रखा था। और हम लोग उसके गाने बहुत शौक से सुनते हैं। और वो जो उसने गाने पर जो डांस किया था ना, वो भी आता है मुझे। उसने कैसे किया था मुझे याद है। इतना पसंद है आपको? जी बहुत पसंद है मुझे। प्लीज आप मेरे को उनसे मिलवा देंगी? बस एक सेल्फी ले लूंगा बस। तुमने जो अब तक मेरे लिए किया ना, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। तो आप मेरे को मिलवाएंगी? प्रॉमिस पक्का वाला। अजान तुम ठीक हो ना? जलील कमीने इंसान, तुमने बच्चे को भी नहीं बख्शा, उसको भी नहीं छोड़ा, मार डाला। छोड़ इसको, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बेहोश तो हुआ है। अजान, अजान, अजान बेटा उठो, अजान, अजान, आंखें खोलो, बेटा आंखें क्यों नहीं खोल रहे? बॉस लड़की मिल गई है, अड्डे पर लेकर आ रहे हैं उसको। खबरदार खबरदार जो आगे आए वरना मैं खुद को मार दूंगी, गोली चला दूंगी, समझे तुम? पागल हो गई हो क्या? बकवास बंद करो, अब मेरी सुनो। मैं अच्छी तरह जान गई हूँ जिसके लिए भी तुम काम कर रहे हो ना, वो मुझे जिंदा देखना चाहता है, इसलिए तुम कोई गलती नहीं करोगे। मुझे इस बच्चे को जिंदा सही सलामत घर पहुंचाना है, समझे तुम? हम उसे घर तक पहुंचा देंगे, लेकिन उसके बाद कोई होशियारी नहीं। ठीक है उठाओ, उठा इसको, उठा इसको। चल आप ही, आप कहाँ रह गई थी?
डॉक्टर कब से आपका पूछ रहे हैं? अच्छा मत पूछो, बाद में बताती हूँ। पहले बताओ मायरा कहाँ है? वो छोटी आपी तो सुबह ही घर चली गई थी। लेकिन मैं तो घर से ही आ रही हूँ। फिर मुझे नहीं पता। अच्छा चलो तुम बाद में फोन करना, अभी डॉक्टर से मिल। आई एम सो सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आप बताएं मेरी की तबीयत कैसी है? मेरे पास आप लोगों के लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। क्या हुआ अम्मी को? लंग कैंसर डायग्नोस हुआ है। देखिए मुझे अंदाज़ा है आप लोग पे क्या बीत रही होगी, लेकिन पेशेंट हम में से ही आपकी वालदा है। अगर हम कमज़ोर पड़ गए तो आपकी वालदा किस तरह फाइट करेंगी? डॉक्टर साहब अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? हो तो जाएंगी, अगर आज से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो। देर मत कीजिए, इलाज शुरू कीजिए। हौसला रखिए, मैं आज से ही प्रोसेस स्टार्ट कर देता हूँ। आप प्लीज़ पेमेंट सबमिट करा लें। कितनी फीस? 5 लाख रुपीज। थैंक यू। अरे मैं लेटी रहे लेटी रहे लेटी रहे, उठने की ज़रूरत नहीं है। मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, अब बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। इतनी सियानी हो गई पर झूठ बोलना तुझे अभी भी नहीं आया। अम्मी मैंने कहा ना ठीक हो जाएगी। बेटा बस तू मेरे जीते जी शादी कर ले। अम्मी मेरे साथ जीने मरने की बातें मत करे। मैंने कहा है आप ठीक हो जाएगी, और डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि अगर आप इसका सही से इलाज होगा तो आप ठीक हो जाएगी। बेटा लेकिन सही से इलाज करवाने के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे। अरे कहां से करेगी तू इतना इंतजाम? अरे मैं कर लूंगी, लोन ले लूंगी। ऐसा परेशान ना हो। अलीशा तुम मम्मी का ख्याल रखो, मैं पैसों का बंदोबस्त करती हूँ और मायरा को फोन करके बुला लूं। जी आपी, मैं छोटी आपी को कॉल कर दूंगी। मुझे बहुत फिक्र है तेरी, बहुत छोटी है तू अभी, बस अपना ख्याल रखना। आपको पर्सनल लोन पर 2.5 से 3 लाख ऑफर कर सकते हैं। लेकिन सर मुझे तो इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट है, मुझे 5 लाख चाहिए। देखिए आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री है नहीं, तो अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से कोई रेफरेंस ला दें तो शायद कुछ हो सके।
लेकिन उस पर भी 5 लाख रुपए मिलना मुश्किल है। सर, कैन आई टेक दिस कॉल? या श्योर, प्लीज। थैंक यू। जी अजान सर। सो मेरी मैनेजर कहाँ रह गई आप? अजान सर, मैं आज ही आ पाऊंगी, मुझे हॉस्पिटल जाना है मम्मी के पास। ओ ओके, थैंक यू। आप ही बता रही है आपकी मामा हॉस्पिटल में है, आपको नहीं जाना हॉस्पिटल? नहीं, जब तक उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तब तक मेरा वहाँ पे कोई काम नहीं है। और वैसे भी अम्मी को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओके सर, मैं कह रही थी अगर कोई और ऑप्शन, कोई और हल नहीं निकल सकता? देखिए, बेस्ट ये रहेगा कि आप अपना घर गिरवी रखवा दें, तो 5 से 6 लाख रुपये आपको मिल सकते हैं। घर? लेकिन उसके अलावा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। I'm sorry, मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। आपी, वो छोटी आपी फोन नहीं उठा रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ। So, sweetheart, क्या कह रहा था आपको? एक्चुअली बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, और जब आपने मुझे कॉन्सर्ट पे स्टेज पर बुलाया था मुझे हमारे बीच एक कनेक्शन सा महसूस हुआ था। Really? और मुझे पता है आपके पीछे ना दुनिया की आधी लड़कियाँ दीवानी, बट मैं उनके जैसी नहीं हूँ, सो प्लीज मुझे उनके जैसा नहीं समझिएगा। Okay. किसकी कॉल है? ले लो कॉल। अब कुछ नहीं, आप ही का फोन है, मैं बाद में कॉल कर लूंगी। कौन सा मैं आपसे रोज रोज मिलती हूँ। ले लो कॉल, हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट हो। अरे नहीं, आप ही का मैं आपको क्या बताऊँ, उनको या तो मुझे किसी बात पे डांटना होगा या मेरे काम में कोई गलती निकाल दी होगी। आज मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है और मैं उसको रूइन नहीं करना चाहती। ओके आपी, आपकी बात हुई है छोटी आपी से? नहीं बेटा, मेरी तो वो कॉल ही नहीं उठा रही। अच्छा सुनो, मैं घर ही जा रही हूँ, शायद सो गई होगी, मैं उसे हॉस्पिटल लेती हुई आऊंगी, ठीक है? और सुनो लीशा, अम्मी को मत बताना कि वो फोन नहीं उठा रही, परेशान हो जाएंगी। जी ओके आपी, नाफिस। So my special friend, what do you want to have? Any drinks? नहीं, अजान सर मैं ड्रिंक नहीं करती। आपको पता है मुझे इस वक्त यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं आपके साथ यहाँ पर हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। ये हरगिज़ ख्वाब नहीं हो सकता, बिकॉज मेरे ख्वाबों में इतनी खूबसूरत लड़की कभी भी नहीं आती। वैसे मायरा, आई वंडर कि आप इतनी स्वीट हैं, इतनी फन लविंग हैं, आपकी और आपकी सिस्टर में इतना डिफरेंस क्यों है? उसे कहीं से उठाया था क्या? नहीं, मैं आप ही के बारे में आपको क्या बताऊं? एक्चुअली वो हम सब में बड़ी है ना, तो पापा की डेथ के बाद उन्होंने ही घर को संभाला है अम्मी के साथ, इसीलिए आई गेस थोड़ी सी बोरिंग और सख्त हो गई। अच्छा, आप शुक्र अदा करिए कि आप उन जैसी नहीं हैं। वरना एक घर में दो लड़कियां एक जैसी होती ना तो तबाही हो जाती। वैसे उस दिन कॉन्सर्ट वाले थे आप, क्या शादी शादी चला रहे थे? वो एक्चुअली मुझे आपसे शादी करनी है। वाह, आपने तो सीधा सिक्सर ही मार दिया। स्लो डाउन गर्ल, अभी आप मुझे जानती कहां?
तो 2020 के ज़माने में जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है वैसे ही स्कोर कर देना चाहिए। और हमारे मुल्क में तो 90% लड़कियाँ अपने शौहर को जानती ही नहीं है शादी से पहले, तो इसमें यूनिक बात क्या है? आप बाउंसर पे बाउंसर ही फेंकी जा रही हैं। वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच। और मुझे पता है आप भी दिल के बहुत अच्छे हैं। दैट्स सो काइंड ऑफ यू। एंड यू नो व्हाट, आपकी जो सिस्टर है आफरीन, वो हरगिज़ ऐसा नहीं सोचती है मेरे बारे में। She hates me. Really? माहिरा, कहाँ रहेगी ये लड़की? माहिरा, चाबी कहाँ रख दी इसने? कर दी इस लड़की ने, पता नहीं कहां रह गई है, कब से फोन मिला रही हूं। हमारा यू डांस रियली वेल, लेकिन एक आपकी सिस्टर है, उनको डांस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। आपने आप ही के साथ कब डांस किया? शी वाज इन द क्लब, उसके पैर में चोट लग गई थी। एक्चुअली मैं ही उसके पैर पे चढ़ गया था। ओह, तो वो आपसे लगी थी चोट? या एक्चुअली मैं उसे टीज करना चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा ज़्यादा जोर से लग गया। आई फील बैड फॉर। ओके, एनीवेज तो आप मुझसे शादी करेंगे ना? चलो मान भी लेते हैं कि मैं आपसे शादी करूँ। आपको क्या लगता है, आपकी जो सिस्टर है आफरीन, क्या वो आपको मुझसे शादी करने देंगी? क्यों नहीं करने देंगी? और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे आपकी सिस्टर आफरीन अच्छी लगती हैं, तो? ऐसा नहीं हो सकता, आप सिर्फ मुझे पसंद कर सकते हैं, और आप ही तो कभी आपको पसंद करेंगी भी नहीं। वो जानती हैं मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे आपके सारे गाने याद हैं, मैं आपकी पिक्चर को गुड नाइट किस करके सोती हूँ। इन शॉर्ट मैं आपके लिए बेस्ट हूँ, तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू, I must say. वाला हार दे देना जो आपने आफरीन आपी की शादी के लिए रखा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बेटा, किसी बेगानी शादी में जाने के लिए मैं तुम्हें इतना कीमती हार दे दूं? तो अम्मी मैं कौन सा खा रही हूँ, पहनकर वापस कर दूंगी। अम्मी दे देना, मांग रही है इतने प्यार से, वापस कर देगी। तुम मत लाट क्या करो इसके, इतने ससुराल जाएगी तो इसको कौन वहां बड़ी बहन मिलेगी जो उसके इतने नखरे उठाए। अब मुंह बसोर के मत बैठो, जाओ जाके ले लो अलमारी में पड़ा हुआ। थैंक यू अम्मी, थैंक यू पापा। बहुत तुमने इसको सर चढ़ाया है बेटा। बस पक्का है ना, आप मुझसे शादी करेंगे? अरे बाबा इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मिले हैं हम। आपके लिए पहली दफा होगा, लेकिन मैं आपसे रोज ख्वाबों में मिलती हूँ। तो आप हार नहीं मानेंगे। मारा एक बात बताइए,
आपकी सिस्टर आफरीन को कैसा लगेगा जब उनको पता चलेगा कि आप मेरे पास? अच्छा ही लगेगा, बुरा क्यों लगेगा? वो जानती है मैं आपसे प्यार करती हूँ और वो तो उल्टा खुश होंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि उनको जब ये पता चलेगा कि आप मेरे पास हैं तो उनको बहुत गुस्सा आने वाला है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं कह नहीं सकता, आई कैन बेट, शर्त लगा सकता हूँ मैं आपसे। ओहो, हम जब से आए ना तब से आप आपी की बातें किए जा रहे हैं। आप इस वक्त मेरे साथ हैं तो मुझसे बात करें। So, on this very happy note, I must say, good night to you. अजान इकुने, क्या मैं आपको हग कर सकती हूँ? Actually, रोज रात को आपकी पिक्चर को देख के हग करती हूँ, तो आज रियल लाइफ में? Please? Seriously? Yeah. Okay. Myra, enough. Myra? ये आप क्या कर रही हैं? I'm sorry, Azan. शर्म यार, क्या कर रही हो तुम? खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो? इसमें गलत क्या है? अच्छा, इसमें गलत क्या है? मारे लगता क्या है ये तुम्हारे? किस रिश्ते से हक कर रही हो? तुम जानती भी हो इनके बारे में? तुम भी उन्हीं लड़कियों में से एक हो जो सुजान इनके पीछे फिरती है, और ये साहब उनके इमोशन से खेलते हैं। एक्सक्यूज मी आफरीन, इसमें अजान की कोई गलती नहीं है। आप क्या उल्टा सीधा बोले जा रही हैं? मैंने अपनी मर्जी से अजान को हक किया है। मैं जो भी करूं, मेरी लाइफ, मेरी मर्जी, आपको क्या? मारा! मैं अजान से प्यार करती हूं और इनसे शादी करना चाहती हूं। जानती क्या उनके बारे में? मुझे लगा था तुम कभी बचपन से बाहर निकल आओगी, लेकिन तुम्हारा बचपन है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और आप अजान साहब के आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा का वास्ता भी बख्श दे। क्यों बहका रहे हैं आप मेरी छोटी बहन को? हम आपके स्टैंडर्ड के लोग नहीं है, हम मिडिल क्लास लोग हैं। हमारे पास इज्जत और शराफत के अलावा और कुछ नहीं है। ये तो बच्ची है, आप तो समझदार हैं, आप क्यों हमारा तमाशा बना रहे हैं? हमारी एक छोटी सी फैमिली का क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? रिलैक्स आफरीन, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम समझ रही हो। आप अजान से इस तरीके से बात नहीं कर सकती। मैं अपनी मर्जी से इनसे मिलने गई थी और हक भी अपनी मर्जी से किया है। इन्होंने कोई नहीं बहकाया मुझे और ना ही हमारी इज्जत का तमाशा बनाया है। इज्जत का तमाशा तो तुमने बना दिया, खानदान की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी है। मैं चलता हूँ। अजान प्लीज रुके, आप, मैं आपसे माफी मांगती हूँ आपा की तरफ से। आप प्लीज रुक जाएं। मिल गया सुकून आपको? सुकून तो तुम्हें मिल गया है हमारी इज्जतें खराब करके। मैंने हमारी इज्जत का तमाशा नहीं बनाया, आपने बनाया है। मारा, तुम चलो अंदर। परसों की मीटिंग अच्छी हो गई मामू। उमर, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी।
अच्छा किया आपने जिक्र छेड़ लिया, मैं बड़े दिनों से देख रहा हूँ आप किसी प्लानिंग में बिजी हैं। नहीं नहीं, प्लानिंग वगैरह कुछ ऐसी बात नहीं है। मैंने सोचा है कि मैं अपने बेटे की शादी कर दूं। अम्मी अब इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं जल्दी तो है, देखो ना उम्र भी तो गुजर जा रही है। उम्र कैसे गुजर जा रही है? I mean, अभी तो मैंने मामू की फैक्ट्री ज्वाइन की है और अभी तो मैं काम सीख रहा हूँ सिर्फ। हाँ हाँ बेटा, तुम काम सीखो, बिल्कुल सीखो, लेकिन तुम्हारे काम से इस शादी का क्या ताल्लुक? चले आपकी ख्वाहिश इतनी तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। वैसे आप ये देखिएगा कि लड़की खूबसूरत हो और मॉडर्न हो, पता मुझे अच्छी लगती है मॉडर्न लड़कियां। तुम्हारी चॉइस से क्या फर्क पड़ता है भाई? शादी मेरी है तो लड़की भी मेरी पसंद की होगी ना। अरे हट, तुम्हारी शादी की कौन बात कर रहा है? मैं तो अपने बेटे आजान की शादी की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे एक जरूरी काम था, मैं चलता हूँ। सही है? हाँ। थैंक यू। आप आफरीन की शादी की बात कर रही है ना आजान के साथ? हाँ कुछ ऐसे ही है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? आपका भाई जो ठहरा, कहीं ना कहीं तो सोच मिलेगी। तो इसका मतलब है तुम्हें भी ये रिश्ता पसंद है ना? पर मुझे तो वो पहले दिन से ही बहुत पसंद है, उसमें सारी क्वालिटीज हैं हमारे खानदान की बहू बनने की। हाँ मैंने तो उसको देखा है, किस तरह वो अजान की खिदमत कर रही थी, किस तरह उसका ख्याल रखती है। आजकल की लड़कियां बिल्कुल इस तरह की नहीं है। मुझे तो बहुत खुशी होगी उसको इस घर में लाकर। बहुत खुददार और समझदार लड़की है, और अजान को ऐसे ही बीवी चाहिए। बस फिर आप फिक्र ही ना करें, मैं कल ही आफरीन से शादी की बात करता हूँ। नहीं नहीं अभी ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है, उसकी अम्मी की तबीयत जरा ठीक हो जाए ना, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। आई बिलीव यही वक्त है मरियम उससे बात करने का। अच्छा है ना किसी हक से उसकी माँ का ट्रीटमेंट भी करवा सकेंगे। हाँ ये बात भी तुम ठीक कह रहे हो। चलो किसे पूछ कर गई थी अजान से मिले? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, 19 साल की हूँ। आपकी परमिशन की अब मुझे जरूरत नहीं है। कानून भी मुझे इजाजत देता है मैं जिससे चाहे शादी करूँ, जैसे चाहे अपनी जिंदगी जीऊँ। और आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? आपको तो पता था ना कि मैं अजान की दीवानी हूँ, तो अब ये सब क्यों कर रही हैं आप? कितनी जुबान चलने लगी है तुम्हारी। अरे तुम्हें कुछ अंदाजा भी है ये रिश्ते एक तरफा नहीं होते, समझी तुम? और तुम्हें क्या पता है वो तुमसे प्यार करता भी है या नहीं? अब तो वो मुझसे प्यार करने का सोचेंगे भी नहीं। आपने इतनी जो बेइज्जती कर दी है, अब तो वो कभी मुझसे मिलने भी नहीं आएंगे। 24 घंटे सारी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती रहती हैं, वो भी तुम्हें उन्हीं में से एक समझता है। किसी गलत फहमी का शिकार मत रहना। वो तुमसे सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि वो जानता था कि तुम मेरी बहन हो। और प्लीज कोई उल्टा सीधा मतलब मत निकाल लेना अब। उल्टा सीधा मतलब तो आप निकाल रही हैं। आपने नहीं देखा था ना कॉन्सर्ट में कैसे उसने सारी लड़कियों के सामने सिर्फ मुझे चूज किया था? आज आप नहीं आती ना तो इतनी गड़बड़ी नहीं होती। वैसे आप मुझे ये तो बताएं, आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी अजान से प्यार हो गया? शट अप, जो मुंह में आए बोले जा रही हो, कुछ तमीज भी है तुम्हें कि नहीं? आप मेरी माँ नहीं है, ठीक है ना? आप मेरी शादी के फैसले नहीं कर सकती। सही कहा है तुमने, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं।
वैसे अम्मी की तबीयत कैसी है? होश आ गया तुम्हें पूछने का? आयरा, अम्मी मर रही है। क्या क्या मतलब है? उनको लंग कैंसर है। अच्छा ये सब रहने दो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मुझे बताओ वो नेकलेस कहाँ है जो अम्मी ने मेरी शादी के लिए रखा था? मुझे वो चाहिए। तुमने जिद करके लिया था ना, मुझे 5 लाख जमा कराना है, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ है वो नेकलेस? निकाल के दो ना मुझे, मैंने चेक किया था तुम्हारी अलमारी में, नहीं है। कब से मैं तुम्हें फोन करती और अलीशा कि तुम्हें फुर्सत ही कहाँ थी, हसान के साथ पार्टी जो कर रही थी। मुझे नेकलेस चाहिए, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ बार बार। मायरा नेकलेस दो। नहीं है मेरे पास। क्या क्या नहीं है? नेकलेस नहीं है मेरे पास। तो कहाँ है नेकलेस? मुझे फैशनेबल कपड़े चाहिए थे, मैंने गिरवी रखवा दिया। अरे तुमने मुझे कहीं कहीं छोड़ा, कहाँ से लेकर आऊंगी मैं इतने सारे पैसे? कहाँ गिरवी रखवाया है बताओ मुझे, ताकि मैं उसे ही बेचूं और अम्मी के इलाज के लिए पैसे देकर आऊं। तुमसे तो मुझे वैसे भी किसी चीज की कोई उम्मीद नहीं है। आप प्लीज आज नहीं कल ले लेंगे। क्यों? आज मुझे अजान के साथ डिनर पे जाना है, आज नहीं। कितनी हिम्मत है तुम में और कितनी बेहिज लड़की हो। हायरा तुम्हारा एक ही इलाज है मेरे पास, ताकि तुम्हें एहसास हो कि क्या सही है और क्या गलत है। आप ही प्लीज खोलें, ये क्या बात हुई, प्लीज खोलें दरवाजा। मैंने कहा ना सॉरी, खोलें दरवाजा। तो तुम्हारी यही सजा है, भुगतो ये। मुझे सिर्फ नंबर चाहिए उस ज्वेलर्स का जहां तुमने गिरवी रखा है। मैं दे रही हूँ नंबर, दे रही हूँ मैं, आप दरवाजा खोलें। भेज दिया मैंने, दरवाजा खोले। हाँ नहीं, तुम्हें तुम्हारी बेवकूफियों की सजा जरूर मिलेगी, समझे तुम? से बात ही नहीं करना चाहती, सोच भी नहीं सकती थी तुम इतनी लापरवाह हो सकती हो। मैं जा रही हूं नेकलेस लेने, अब यहीं पर रहो। आप ही मुझे कमरे में बंद करके चली गई, मुझे आपके पास आना है, आप मुझे लेने आए। मायरा प्लीज रोना बंद कर दो। अच्छा ये बताओ कि आफरीन कहाँ है? आप ही तो मार्केट गई हैं ज्वेलर के पास से पैसे लेने के लिए। अम्मी को लंग कैंसर हो गया, हॉस्पिटल वालों ने 5 लाख मांगे। लंग कैंसर? I'm sorry। अच्छा मुझे ये बताओ कि पैसों का इंतजाम हो गया? मुझे नहीं पता, वो मुझे छोड़ के चली गई है, कमरे में लॉक करके चली गई है। अच्छा ठीक है मायरा रिलैक्स, मैं आफरीन से बात करता हूँ। नहीं नहीं आप प्लीज प्लीज अभी मत बात करिएगा मेरे बारे में, वो मुझे बहुत गुस्सा है, वो नहीं सुनेंगे कुछ भी।
अच्छा ओके 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 ठीक है मैं नहीं करता बात। प्लीज आप यहाँ आ जाए, मेरा अम्मी से मिलने का और आपसे मिलने का बहुत दिल चाह रहा है। आप यहाँ आ जाए, हम लोग साथ चलेंगे। ओके बाय बाय। हेलो जे जे ज्वेलर्स, मुझे आपसे हार के बारे में बात करनी थी। मैं आपको कब से फ़ोन लगा रही हूँ। जी मेरी बहन ने कुछ दिन पहले गिरवी रखाया था, मुझे अर्जेंट सेल करना है। क्या आप 15 दिन से पहले कराची नहीं आ सकते? कोई हल नहीं निकल सकता? मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। चले ठीक है, मैं आपको फिर 15 दिन बाद ही फोन करती हूँ। आपी पैसे का कुछ इंतजाम नहीं हुआ? डॉक्टर कितने बार पूछ चुके हैं, अब क्या होगा? कुछ नहीं, अम्मी को घर ले जाने की तैयारी करो जब तक पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता। जी आपी। चलो अलीशा, अम्मी कहाँ है? आप ही अभी तो यहीं थी अम्मी। जाओ वॉशरूम में देखो। आपी वॉशरूम में भी कोई नहीं है। अम्मी जा कहाँ सकती है, कहीं टेस्ट के लिए तो नहीं ले गए उनको? नहीं आपी, मैंने खुद यहीं छोड़ के गई थी सोते हुए। अच्छा चलो आओ बाहर देखते हैं, आओ चलो आगे चलो। वो तुम्हारी छोटी बहन है ना, क्या नाम है उसका? हीरा नहीं मायरा। बड़ी अजीब बात है, वो जो तुम्हारे पास है ना अजान अली खान, उसने भी कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई। उसका सीन तुम्हारी छोटी बहन मायरा के साथ है। बको मत, चलो तेज चलो।